कर्नाटक चुनाव के लिए थम गया हाई वोल्टेज प्रचार अभियान। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए 10 मई को होगी वोटिंग। कुल 224 सीटों पर होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। विजयनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। लोगों ने अपने घरों की छतों से प्रियंका गांधी पर की पुष्पवर्षा। प्रियंका ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार करार दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का किया दावा। कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है जनता। बेंगलुरु में बस में सफर करते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखे लोग। कांग्रेस की नीतियों को बताया खुद के लिए हितकारी। शिवमोगा के सिरलकोप्पा में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया भव्य रोड शो। तारा अनुराधा और अभिनेता किच्चा सुदीप रहे मौजूद। अभिनेता किच्चा को देखने के लिए आसपास के घरों की छतों पर भारी संख्या में उमड़ी जनता की भीड़। बीजेपी समर्थकों ने किच्चा की तस्वीर वाले झंडे भी लहराए। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में जीत का भरा दम। कहा हम 135 सीटें जीतने का रख रहे हैं लक्ष्य। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की वजह से राज्य में हमें समर्थन। हुबली धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की भव्य रोड शो। बीजेपी नेता विजय संकेश्वर दिखे साथ। ढोल नगाड़ों की धमक पर कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में पहनाई माला। बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं से की बीजेपी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील। कर्नाटक के मांड्या में चुनाव प्रचार के अंतिम वक्त में बीजेपी के एक मंत्री ने हनुमान का लगाया मुखौटा। जय हनुमान कांग्रेस निर्नाम के लगाए नारे। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 6% तक कांग्रेस बढ़ा देगी मुस्लिम आरक्षण तो किसका कटेगा कोटा। कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर सोनिया गांधी पर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली में चुनाव आयोग से की शिकायत। कार्रवाई की मांग की। बेलगावी में कांग्रेस के सीएम प्रमोद सावंत बोले कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। विकास के नाम पर मिलेंगे वोट। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का दावा 224 में से कांग्रेस को मिलेंगी 141 सीटें। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में असदुद्दीन ओवैसी ने देश के मौजूदा हालातों पर जताई चिंता। कहा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिंदुत्व विचारधारा को लेकर लगी है रेस। कर्नाटक के मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की अपील बीजेपी को खतरनाक बताते हुए वोट नहीं करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म बैन। ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी बंगाल बीजेपी। ममता बनर्जी का संगीन आरोप गलत तथ्यों के आधार पर फिल्म मेकर को पैसा देकर बंगाल फाइल्स फिल्म बनवा रही है बीजेपी। बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म बैन होने पर प्रोड्यूसर विपुल शाह का बयान। कहा अगर राज्य नहीं सुनेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म बैन करने को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया गलत। पूछा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आईएसआईएस जैसी संस्थानों के साथ क्यों। द केरल स्टोरी देखने के बाद बोली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिल्म में आतंकवाद के नए रूप को दिखाया गया है। द केरल स्टोरी को ओबीसी ने बताया झूठी फिल्म। कहा ये सब आईएसआईएस वाले देखकर हो रहे होंगे खुश। फिल्म द केरल स्टोरी के बहाने ओबीसी ने पीएम पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म के बन गए हैं प्रमोटर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। केरल में ही नहीं भोपाल में भी लव जिहाद। फिल्म द केरल स्टोरी लोगों को कर रही है जागरूक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी मंत्रालयों से मांगी गई रिपोर्ट। 9 मई तक ही सभी मंत्रालयों को सौंपना होगा अपना पूरा ब्यौरा। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए मिशन पर नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मंगलवार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए लगातार कर रहे हैं दूसरे राज्यों का दौरा।
बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पार्टी के झंडे पर बैन लगाने की मांग की है। बोले, तिरंगे से छेड़छाड़ कर बनाया कांग्रेस ने अपना झंडा। झंडा विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तगड़ा प्रहार का कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े साजिश का पर्दाफाश। साजिश के तहत कर्नाटक के लिए अलग झंडा पेश। प्रशांत किशोर का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। बोले, मोदी के नाम पर बिहार की जनता ने बेकार से बेकार लोगों को बना दिया है सांसद, इसलिए उन्हें बिहार के विकास की नहीं है चिंता। केजरीवाल के बंगले की जांच की मांग को लेकर एलजी को कांग्रेस नेता अजय माकन ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली के सीएम पर मुकदमा चलाने की मांग की। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम वीरेंद्र सिंह ने हालातों में बताया सुधार। केंद्र की मदद के लिए गृहमंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। 17 मई तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बिहार सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश। MiG-21 में सवार दोनों पायलट सुरक्षित, खतरा भाप कर हो गए थे इजेक्ट। बाराबंकी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, ये निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रचंडों को साफ करने का है अभियान। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने जमालपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया रोड शो। बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। बलिया के मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार का अजीबोगरीब बयान। अखिलेश यादव को पहचानने से किया इंकार। रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र में आजम खां का विपक्ष पर हमला। बेटे अब्दुल्ला को बताया अल्लाह का पसंदीदा। कहा, 150 करोड़ के हिंदुस्तान में उसे कोई नहीं हरा सकता। चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना हेरिटेज सेंटर का किया उद्घाटन। मंगलवार से आम लोगों को मिलेगी इसमें एंट्री। कार्यक्रम में वायुसेना के अधिकारियों ने बांधा सामा, बजाई खास धुने। चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच समझौते के तहत की गई हेरिटेज सेंटर की स्थापना। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल भी रहे मौजूद। हेरिटेज म्यूजियम उद्घाटन समारोह में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी रही मौजूद। जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने कराया फोटो सेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के फाइटर विमानों और उपकरणों को देख सेना के अधिकारियों से ली जानकारी।